है, विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन एक बात तो तय है कि हालिया दौर में सियासत का जो चाल चरित्र और चेहरा दिख रहा है वो सोचने पर मजबूर करता है। विवादास्पद बयान देने वाले राज्य सरकार के मंत्री धन सिंह रावत आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर फंस गए हैं। बांसवाड़ा में नवशक्ति सम्मेलन में रावत के बयान को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। देखिए, हमारे संज्ञान में ये मामला आया था कि एक सभा हुई है और उसमें शिकायत हमारे सामने आई थी, तो हमने एक आचार संहिता उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब तलब किया है, साथ में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है जिसकी जाँच अभी चल रही है। मंत्री धन सिंह रावत ने 26 अक्टूबर को बांसवाड़ा में एक रैली के दौरान राजस्थान के सभी हिंदुओं को एक साथ बीजेपी को वोट करने की अपील की थी। कहा कि जब मुस्लिम एकजुट होकर कांग्रेस को वोट कर सकते हैं तो हिंदुओं को भी बीजेपी को वोट करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। रावत के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। रिटर्निंग अधिकारी ने धन सिंह के बयान को गंभीर मानते हुए नोटिस देकर 3 दिन में जवाब मांगा है, लेकिन रावत ने जवाब नहीं दिया, जिस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के बाद कल देर रात उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि पार्टी जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगने पर विश्वास नहीं करती। यहाँ हिंदुस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं और सभी जगह हमारा फेथ है और हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और सबका विकास भी हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास। इसलिए ये बात कहना कि किसी विशेष वर्ग की पार्टी, ऐसी बात हमारी पार्टी में नहीं, देखा नहीं है। बातचीत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी देश के सभी लोगों की पार्टी है और धर्म जाति लिंग के आधार पर पार्टी कोई भेद। चुनावों के नजदीक आने के साथ ही नेताओं की जुबान फिसलने लगी है। धन सिंह रावत के बयान के बाद पूरी बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं। भरत राज के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।